रघुनाथपुर निर्दलीय को बड़ी मानती है। निर्दलीय प्रत्याशी थे अजय बाबू, तो विजय शंकर दुबे ऐसे आदमी को हरा करके और विधानसभा में चले गए। मेरा एक ही लक्ष्य है, जनता के बीच रहना, जनता का सेवा करना, इसीलिए ये सब यहाँ झमेला हुआ है ना। इस बार भी युवा को ठगने का काम किया है लोग, और युवा इस बार जवाब देगा। और जो भी तमाम हमारे रघुनाथपुर विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता और अभिभावक गार्जियन सब लोग पहुँचे हुए हैं, उसका एक ही मकसद है, माननीय RCP सर जी, यहाँ हमको बुलाया गया था पटना, उन्होंने बोला कि तुम पर्चा दाखिल कर रहे हो, तो हमने बोला कि टिकट कटा है, हम घूमे हैं क्षेत्र में, मेरा सब लोग मेरे पक्ष में था, उसके बाद मेरा टिकट कट गया, तो हमको बोले समझाए राजेश्वर जी का मदद करने के लिए, लेकिन अब हम उसी के लिए आज सब युवाओं का और अभिभावकों को यहाँ बुलाए हैं कि सबका क्या मत है, अगर जो निर्णय होगा यहाँ उसको हम रखें, वहीं हम मानेंगे। अब पता नहीं ऊपर बैठे बड़े बड़े हमारे गार्जियन लोग क्या देखे और क्या उनमें देखे कि उनको टिकट दिया गया, जो क्षेत्र में उनका बहिष्कार हो रहा है, जगह जगह उनका विरोध हो रहा है, पटना से टिकट लेकर रिटर्निंग किए तो 4 गो गाड़ी था, 15-20 गो फोर व्हीलर बाइक था, 4 गो फोर व्हीलर था, ये आप लोग भी देखें, वीडियो भी आप लोग के पास है, आप लोग उनसे मिले भी, क्या उनका स्थिति है, आप लोग उनसे अवगत हैं? नहीं, हमने माननीय RCP सर से हमने मिला और हमने कहा कि वो जीत नहीं पाएंगे, हम बैठ भी जाएंगे तो जीतेंगे नहीं, तो पूरे युवाओं का सम्मान पे हमें ठेस पहुंचेगा, तो मेरा मानना है कि उनका टिकट उनका सिंबल बदल दिया जाए, और जो भी अगर लगता है कि हम उस लायक नहीं है, जो भी युवा है उस लायक, कम से कम पूरे बिहार में एक युवाओं को तो टिकट दिया जाए, सारा युवा एकदम आहित है, पूरे सारण प्रमंडल में सारा युवा आहित है, अगर सिंबल नहीं बदलता है तो हम 14 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लोग नहीं मानेगा और सारा जनता कहेगा तो हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे, हम जनता है तब न हम हैं, जनता ही हमको यहाँ बनाया है ना, राकेश जनता ही न कहा, राकेश को जानता कौन था, 13 साल से हम जनता के बीच रहे तो जनता ना राकेश कहा, तो जनता का ना सुनेंगे पहले। मेरा एक ही लक्ष्य है, जनता के बीच रहना, जनता का सेवा करना, इसीलिए ये सब यहाँ झमेला हुआ। नहीं, नीतीश कुमार के नाम पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नीतीश जी के सिपाही हैं और नीतीश कुमार के पास ही हम लोग रहेंगे, NDA के सिपाही और NDA के पास ही हम लोग रहेंगे, पूरा संगठन मेरे साथ है, प्रदेश सचिव मेरे साथ हैं, प्रवक्ता मेरे साथ हैं, सारे लोग मेरे समर्थन में हैं, और JDU का कोई कार्यकर्ता उनके पक्ष में नहीं है, और सिवान के 5 गो लोग लेके यहाँ घूम रहे हैं, ना उनका थाना है इस रघुनाथपुर विधानसभा में, ना ब्लॉक है, बताइए वहाँ से यहाँ क्या मदद करेंगे लोग, इनका उम्र हो गया है 65 वर्ष, आराम करने का उम्र, उस उम्र में इनको टिकट दे दिया गया, क्या काम करेंगे, क्या युवाओं में तो एकदम निराशा पैदा हो गया है कि इतना मेहनत किए राकेश जी, उनको टिकट नहीं मिला तो हम लोग किस आधार पे काम करेंगे, पूरा जिला में युवाओं का एकदम आक्रोश है, ये आप लोग भली भांति देखिए, हर बार जो है युवा ठगा जाता है और इस बार भी ठग लिया गया, युवा सिर्फ खटने के लिए है, युवा की भागीदारी हम लोग हमेशा चिल्लाते रहे, कभी नहीं मिली है ना। इस बार भी युवा को ठगने का काम किया है लोग, और युवा इस बार जवाब देगा, पूरे जो है परमंडल में एक भी युवा को कभी भी सम्मान नहीं दिया गया, और राकेश सिंह का टिकट कटना ये संकेत देता है कि युवा हमेशा ठगा जाएगा, अगर इस बार सचेत नहीं हुआ तो आगे भी ठगा जाएगा। आप संगठन में हैं, क्या लगता है कि संगठन पूरा साथ देगा राकेश को देगा? हम लोग तो साथ हैं, युवा साथ है, संगठन की बात छोड़ दीजिए, संगठन तो है ही, जो प्रत्याशी वो लोग भेजे हैं, 5 आदमी सिवान से ले के आ रहा है जिसका यहाँ वोट भी नहीं है, है ना, वो लोग समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं, पार्टी की छवि खराब हो रही है, नेता का नाम खराब हो रहा है, इसलिए अभी समय है, 14 को जो है विचार कर रहे हैं ये अपना नॉमिनेशन करने का, युवाओं के कहने पर यहाँ के जो युवा हैं, यूथ है, यूथ आइकन बन चुके हैं ये, और यूथ इस बार किसी को यहाँ लाने नहीं जा रहा है, और इस बार जो है जिस लोगों को यहाँ भेजा गया है युवा को ठग के,
है ना छल करके, तो इस बार युवा इसका जवाब देगा। इसलिए 14 तारीख को नॉमिनेशन का ये जो है जो डेट रखे हैं, अभी 3 दिन है, 12, 13 और 14 करेंगे। इस बीच अगर कोई निर्णय लेता है तो हम लोग जो है उसका स्वागत करते हैं, आ नहीं तो फिर तो निर्णय ले चुके हैं, यूथ ने ले चुका है यहाँ के पूरा युवा। राकेश बाबू ने जो है ये डिसीजन नहीं लिया, इनका अपना डिसीजन कुछ नहीं, यहाँ रघुनाथपुर विधानसभा के युवाओं ने ये डिसीजन लिया है कि इस बार जो है हम ठगे नहीं जाएंगे, अपने वोट से इसका जवाब देंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मतीन अहमद है और प्रदेश युवा के सचिव हैं। रघुनाथपुर निर्दलीय को बड़ी मानती है, निर्दलीय प्रत्याशी थे अजय बाबू, तो विजय शंकर दुबे ऐसे आदमी को हरा करके और विधानसभा में चले गए। राकेश भैया जिंदाबाद, इस बार निर्दलीय प्रत्याशी राकेश सिंह को हम लोग जिताएंगे और पटना विधानसभा में भेजेंगे। ये हम लोग कार्यकर्ता वो है कि रातों दिन मिल करके इनको मेहनत करेंगे और विधानसभा में पहुंचाएंगे पटना। क्या लगता है कार्यकर्ता इस बार पार्टी को सबक सिखाएगा? एकदम सिखाएगा। राकेश भैया जिंदाबाद। हमारा नाम है मंधाता सिंह बड़ुआ।